असलम एंड हैलो एवरी वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद मारिया टुडेस टॉपिक व्हिच आई सेलेक्टेड फॉर द पीपल आउट देयर इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइड एंड ईगो असलैक्म मेरे चैनल पे खुश आमदीद है जिसका नाम है आए चले सीखते हैं इंग्लिश मारे के साथ आज का मौजूद जो मैंने सबके लिए सेलेक्ट किया है वो है अना और फ़खर के दरमियान क्या फ़र्क है द की डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड प्राइड इज़ डेट ईगो इज अ सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस विच कैन लीड टू एरिगेंस वेयर एज प्राइड इज़ अ सेंस ऑफ सेटिसफेक्शन अना और फ़खर के दरमियान फ़र्क ये है कि अन्ना जो है वह अपनी अहमियत का एहसास है जो तकबर का बाइस बनता है जबकि फख्र इतमीनान का एहसास है द वर्ड्स ईगो एंड प्राइड आर सो क्लोज इन मीनिंग एंड सो इंटर रिलेटेड दैट समिफिकल्टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैम अना और फ़खर के अल्फाज मतलब में इतने करीब और एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि बाज़ात इन में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है अना को सादा अल्फाज में अगर मैं इस तरह बयान करूं कि एक शख्स अपने आप को क्या समझता है उसको लाइक वो लोगों में अपने आप को अलग समझता है क्या महसूस करता है जब वो लोगों में होता है और वह क्यों समझता है कि मैं बा, बाकी लोगों से बेहतर हूँ जबकि दूसरी तरफ अन् इस बात का एहसास भी है कि जब आपको कोई कामयाबी मिलती है या आप, आपके अपने फैमिली uh, मेम्बर्स को या किसी लाइक फ्रेंड्स सर्कल में कोई आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो अगर उसकी काम उसकी कामयाबी आप सुनते हैं तो आप जो है वो बहुत फख्र महसूस करते हैं ठीक है लाइक ईगो कैन बी डिफाइन इन सिंपल टर्म्स एज द वे हाउ पर्सन परसिवस हिम और हर सेल्फ दैट इज़ हाउ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल थिंग्स फील्स एंड डिस्टिंगज हिम हर सेल्फ फ्राम द रेस्ट ऑन द अदर हैंड Ego is a feeling one may get after an accomplishment or a success of his own self, oneself, family, friend, or like you know, in his friend circle, or might be some of your family member will get any accomplishment, so you will get a pride on that. Okay, but you know, uh, what is the reason of being proudy? Because when you think that you are superior to like. Uh, सुपीरियर टू ईच एंड एवरी वन जब आप ये समझते हैं कि मैं हर से हर एक से ज्यादा मैं सुपीरियर हूँ, मैं बेहतर हूँ, तो फिर वैन इट ऑटोमेटिकली टर्स अवे दैट यू गेट अ प्राइड ऑन योर सेल्फ ये ऑटोमेटिकली सी बात है फिर आपको गरूर आने लगता है बट यू नो वैन यू स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू यन सेल्फ और यू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ योर लाइफ योर गोल्स And sometimes you become so selfish that you just started ignoring others or you start ignoring others. जब आप अब अप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं अपनी कामयाबी के बारे में अपने मकासद के बारे में सोचते हैं और फिर आप इतने ज्यादा खुद गर्ज हो जाते हैं कि आप दूसरों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं उनको बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल देते हैं अना और गरूर ये दोनों चीज़ें जो हैं इंसान में नहीं होनी चाहिए ईगो एंड प्राइड दीज बोथ थिंग्स शुड नॉट एग्जिस्ट इन ह्यूमस और इन इन अ पर्सन लाइफ यू नो वाई बिकॉज दिज बोथ थिंग्स डिस्ट्रॉय यू ये दोनों चीजें आपको तबाह कर देती हैं इट डिस्ट्रॉयज़ रिलेशनशिप्स वेदर इट बिकम इन योर फ्रेंड सर्किल और रिलेशनशिप बिटवीन योर फैमिली एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर इट डिस्ट्रॉय किल योर ईगो बेहतर है कि आप अपनी ईगो मार दें ईगो मारने से मुराद ये है कि लाइक आप ये कहें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है और वो आपको रोज आना कभी मैसेजेस नहीं करता है या जब आप मैसेज करते हैं तभी रिप्लाई आता है तो आप ये सोचें कि ठीक है इसमें आना वाली क्या बात है हो सकता है वो बिजी हो इट्स ओके आई विल मैसेज हिम आई विल टेक्स हिम बट समाइम्स ऑन द कंट्री लेकिन कभी कभार ये होता है इसके बरक्स पीपल स्टार्ट थिंकिंग रॉन्ग दे आर लाइक अगर इफ अ पर्सन हैजैट मची गो शुड आई आई शुड नॉट हैव कि अगर उस शख्स के पास इतनी आना है तो मेरे पास क्यों नहीं लेकिन नो डोंट थिंक इन दिस वे थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव इन लाइफ आई होप माई टू डेज टॉपिक विल हेल्प एवरी वन आउट टू अंडरस्टैंड वट इज ईगो वट इज प्राइड वट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ द डिसंग्स बट वट आई थिंक इज देर इज नो एनी एडवांटेज ऑफ बींग प्राइड ऑन योर सेल्फ और बींग एन पर्सन मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है इगोस्टिक होने का या गरूर में मुबतला होने का या फख्र करने का नो नो नीड okay thank you so much for the people who listens to me who listen to my lectures who really ha like uh, motivates me and it all this my all lessons will become helpful for them to understand each and every topic which i had explained in my lectures thank you